नमस्कार, आज मैं आपको चकला मैट बनाना बताऊंगी। देखिए ये चकला मैट, ये देखिए इसमें रोटी हम लोग बेलते हैं। ये देखिए इस तरह रोटी बेलते हैं, तो ये आटा कितना यहाँ पर गिरता है। ये पत्थर ख़राब हो जाता है, फिर इसकी हमको सफाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए देखिए हमने ये देखिए ये आटे की बोरी से हमने ये देखिए चकला मैट बनाया है। इस पर आप ऐसे रख के आप इसको इस तरीके, जब आप इसको रोटी यहाँ पर ऐसे करके इसको बेलेंगी तो ये बिल्कुल गंदा इसमें होगा, जो आटा गिरेगा इस पर गिरेगा, आपका पत्थर नहीं गंदा होगा। तो ये देखिए कितने आसान तरीके से ये आटे की बोरी से बनाया गया है और इसको आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं। तो देखिए ये कैसे बनाया गया है, तो चलिए इसको हम सीखते हैं। ये देखिए ये मैंने आटे की बोरी ली है और इसी से चकला मैट बनाते हैं। तो बनाने से पहले सबसे पहले इसको हम इस तरीके से ऐसे करके आप मोड़ दीजिए, इस तरीके से बराबर करके आप इसको मोड़ लीजिए ये, और इसको यहां से कट कर दीजिए। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको यहां से गोलाई से इसको चारों तरफ से गोलाई से काट देंगे। तो आप ऐसे करके इसको ऐसे मोड़ लीजिए इस तरीके से, और इसको ऐसे मोड़ लीजिए, इन चारों को आप ऐसे करके बराबर से ले लीजिए ऐसे इस तरीके से, और इसको गोलाई से थोड़ा सा ये देखिए इसकी कटिंग करके हमने इसको तैयार कर लिया है। अब चलिए इसमें इसके किनारे पाइपिंग पट्टी लगाते हैं। ये देखिए ये चौकोर ये गोल कटिंग, ये चौकोर से इसको हमने गोल कटिंग कर दी है इसकी, और देखिए पट्टी तैयार कर ली है। ये और भी पट्टी है, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ से आप लगाना चालू करिए इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके यहाँ से इस जगह से आप सिलाई करती चालू कर दीजिए यहाँ से इस जगह से ऐसे। ऐसे करके इस तरीके से आप यहाँ से सिलाई इसकी चारों तरफ से आप पहले इसकी सिलाई कर लीजिए, सिलाई करने के बाद फिर इसको मोड़ेंगे। ये देखिए मैंने ये सिलाई चारों तरफ से मैंने ये देखिए पूरी कंप्लीट कर ली है, ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। और बीच में मैंने इसको टांगने के लिए ये देखिए एक पट्टी लगा रखी है। अब आप इसको इस तरीके से मोड़ दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके मोड़ लीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ ऐसे रख के इस तरीके से ये यहाँ से एक सिलाई यहां से इस तरह ऐसे मोड़ लीजिए कपड़े को, ये ऐसे मोड़ लीजिए इस तरीके से, और इस जगह से एक सिलाई यहां से लगाती हुई चली आइए पूरा यहां तक, पूरा चारों तरफ से ये सिलाई यहां से ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे मोड़ते हुए अंदर को आप मोड़ दीजिए, और मोड़ते हुए ऐसे सिलाई यहां से ये पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए आप यहां से सिलाई कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये मैंने सिलाई यहाँ से यहाँ तक ये देखिए चारों तरफ सिलाई कर दी है। ये देखिए बच्चे ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस पर आप चकला रख के इस पर आप आराम से रोटी बेल सकती हैं। इसके साथ जो ये आटा गिरेगा इससे आपका पत्थर भी नहीं खराब होगा, और आटा इसी पे गिरेगा और ये चकला भी नहीं फिसलेगा। ये देखिए कितने आसान तरीके से आप इस पर रोटी को बेल सकती हैं। और ये आटा वगैरह सब इसी पे गिरेगा, जो आप बाद में इसको झाड़ सकती हैं और साफ करके इसको आराम से इसको टांग दीजिए। ये एक इतने आसान तरीके से घर में आप इसको बना सकती हैं। कोई सामान आपको बाहर लेने नहीं जाना है, आप घर में बना लीजिए, और कितने आसान तरीके से इसको आपका ये पटरा भी सुरक्षित, आपका पत्थर भी जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा, और जो आटा वगैरह इसी में गिरेगा ये इसी में गंदगी होगी, इसको आप साफ करके आप आराम से इसको टांग दीजिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।